नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो हम अपने चैनल पर प्रत्येक हफ्ते नई नई धार्मिक कहानियों पर वीडियो डालते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ विशेष किया जाए, कुछ अलग किया जाए। लेकिन क्या किया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे 10 वर्ष पहले की एक घटना याद आई जब मैं कुरुक्षेत्र में गया था और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिला जो सभी लोगों को नहीं पता होगा, जिसे सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं शायद उन्होंने भी नहीं देखा होगा। तो आज जो वीडियो होने वाला है आप उसे दुर्लभ जानकारियों की श्रेणी में रख सकते हैं। बात है 21 जुलाई 2012 की। ठीक धर्म संसार के स्थापना दिवस के दिन मैं अपने एक मित्र प्रशांत साहू के साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भ्रमण के लिए गया। वहाँ पर हम कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध विज्ञान भवन में गए और मुझे वहाँ जाकर बड़ी प्रसन्नता हुई यह देखकर कि उस भवन में एक पूरा का पूरा हिस्सा महाभारत को समर्पित था। वहाँ महाभारत से संबंधित कई चित्र, कई मूर्तियाँ और कई अन्य जानकारियाँ उपलब्ध थी, लेकिन उसमें से हमें एक ऐसी जानकारी मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गया। हम सभी भारत के नक्शे के बारे में जानते हैं, हम सभी विश्व के नक्शे के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी की संरचना कैसी रही होगी और उस समय की पृथ्वी की संरचना के हिसाब से भारतवर्ष कहाँ होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं कोई 10,000 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ करोड़ों वर्ष पहले की स्थिति के बारे में। कुरुक्षेत्र के उसी विज्ञान भवन में मैंने इन नक्शों को देखा। वहाँ पर चित्र लेना प्रतिबंधित था, किंतु मैंने जब सुरक्षा अधिकारियों को धर्म संसार के बारे में बताया तब उन्होंने इन चित्रों को लेने की अनुमति दे दी। दुर्भाग्य से उस समय मेरा मोबाइल कैमरा बहुत अच्छा नहीं था और अंधेरा भी बहुत था, इसीलिए चित्र बहुत साफ नहीं आए हैं, किंतु काम चलाने लायक तो हैं। मैं कुरुक्षेत्र के विज्ञान भवन के प्रबंधन का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इन चित्रों को लेने की अनुमति दी। तो सबसे पहला जो चित्र था वो था सप्तद्वीप का। हम सभी सप्तद्वीप की अवधारणा के बारे में जानते हैं, पुराणों में इनके बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पहले 7 द्वीपों में बटी हुई थी। ये थे जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शाकद्वीप, क्रौंचद्वीप, शालमलद्वीप और पुष्करद्वीप। इनमें से सबसे बड़ा जम्बूद्वीप था और भारतवर्ष इसी जम्बूद्वीप का भाग था। यहाँ पर इस दुर्लभ चित्र में आप इन सभी 7 द्वीपों की स्थिति को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे नक्शे की ओर जो 30 करोड़ वर्ष पहले की स्थिति बताता है। उस समय भारतवर्ष पेंजिया नामक महादेश का एक भाग था। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि यह गोंडवाना नामक एक दक्षिण खंड से जुड़ा हुआ था। बाईं और दाईं ओर जो आपको खाली स्थान दिख रहा है उसका नाम पंथलस्सा है और उसी के ऊपर लॉरेशिया नामक खंड है। उस समय लगभग सारी पृथ्वी सागर से घिरी हुई थी, जिसे हम थेटिस सागर कहते थे। अब हम बढ़ते हैं अगले नक्शे की ओर जो कि 18 करोड़ वर्ष पहले का है। इस नक्शे में आपको भारतवर्ष थोड़ा अलग दिखेगा। इन 12 करोड़ वर्षों में वो जो एक महादेश था वो अलग अलग महादेशों में टूटने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका, यूरेशिया जिसे हम आज रशिया कहते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारतवर्ष को साफ साफ इस नक्शे में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के जो नीचे आपको अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है वो भी आधुनिक काल में हमें पता है। अब आते हैं चौथे नक्शे पर जो कि 13.5 करोड़ वर्ष पहले का है। यहाँ पर महाद्वीपों की स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष यूरेशिया यानी जो आज एशिया है उसी ओर बढ़ता रहा। अगले 7 करोड़ वर्षों में यानी कि आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो अन्य महाद्वीप थे वे और फैलते चले गए और जो भारतवर्ष की जो यात्रा थी यूरेशिया की ओर वह उसके और निकट आ गया। अगले 1.5 करोड़ वर्षों में अर्थात आज से 5 करोड़ वर्ष पहले भारतवर्ष यूरेशिया में पूरी तरह से समा गया। इसके फलस्वरूप हिमालय ऊपर उठने लगा, अर्थात हिमालय की जो ऊंचाई थी वह बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो स्थिति है वो लगभग लगभग आधुनिक काल के जैसे ही हो गई। मतलब आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले जो सभी महाद्वीपों की स्थिति थी वो लगभग लगभग आज की आधुनिक स्थिति के अनुसार ही है। अगले नक्शे में हम लगभग 50,000 वर्ष पहले की स्थिति देखते हैं जिसे हम हिमयुग के रूप में जानते हैं। यहाँ समुद्र थोड़ा और संकुचित हुआ और भूमि बढ़ी। हिमरेखा 5,000 फीट से नीचे तक पहुँच गई। पूर्वी और पश्चिमी घाट समुद्र की ओर बढ़ता चला गया। यहाँ पर आप श्रीलंका को भी भारतवर्ष से जुड़ता हुआ पाएंगे। इसी समय अंडमान
बर्मा और लक्षद्वीप आदि द्वीपों का उद्भव हुआ। यह जो अगला नक्शा है वो लगभग महाभारत काल के आसपास का माना जा सकता है, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। उस समय तक महाभारत का युद्ध बीते हुए बहुत समय हो गया होगा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले पर्वतों की नई श्रृंखलाओं ने जन्म लिया। पश्चिमी भारत में वर्षा कम होती चली गई और इसी कारण थार मरुस्थल का विस्तार हुआ। और ये जो अंतिम नक्शा आप देख रहे हैं वह महाभारत काल के जनपदों का नक्शा है। कई नगर मिलकर एक जनपद का निर्माण करते थे। महाभारत में लगभग 70 जनपद थे, जिनमें से कौरवों और पांडवों की ओर से 30-30 जनपदों ने युद्ध में भाग लिया। कई जनपद मिलकर और भी बड़े क्षेत्र का निर्माण करते थे, जिसे महाजनपद कहा जाता था। महाभारत काल में जो भारत था वह 16 मुख्य महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपदों पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।